CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 4 की उर्दू की पाठ्य पुस्तक इब्तदाई उर्दू के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम चिड़िया और पौधे की कहानी। शाम का वक्त था। एक चिड़िया एक नन्हे पौधे पर आकर बैठ गई। पौधा कांपने लगा और चिल्लाया, अरे अरे ये क्या करती हो, हटो नहीं तो मैं गिरा। चिड़िया घबरा गई और जल्दी से अलग हट गई। पौधे ने उसे उदास देखा तो पूछा, ए भी चिड़िया तुम नाराज हो गई? चिड़िया बोली, मैं क्यों नाराज होती, मुझे तो ये सोचकर रोना आ रहा है कि मैं अकेली हूँ और रात होने वाली है, मेरे साथी न जाने कहाँ चले गए। मैंने सोचा था कि मैं तुम्हारी डाली पर बैठकर रात काट लूंगी, लेकिन तुमने डांट दिया। अब सोच रही हूँ इस अंधेरे में कहाँ जाऊं। पौधा बोला, तुम उदास मत हो, आओ मेरे पास आकर बैठ जाओ। मैं तुमको अपनी टहनी पर कैसे बैठा सकता हूँ, मैं तो खुद छोटा सा हूँ। मेरी टहनी देखो कितनी नर्म और पतली है। चिड़िया फुदक कर पासा बैठी। बी चिड़िया तुम बहुत अच्छी हो, आओ मेरे पास बैठकर सो जाओ। तुम्हारे पास बैठकर मुझे नींद नहीं आएगी, मुझे तो टहनी पर बैठकर नींद आती है। मैं अपने परों को फुला लेती हूँ और फिर अपने परों में अपना मुंह छुपा लेती हूँ जब कहीं मुझे नींद आती है। अभी मैं बहुत छोटा हूँ, जब बड़ा हो जाऊंगा तो तुम मेरी टहनी पर बैठना। अभी थोड़े दिनों पहले की बात है कि एक बीज जमीन पर गिरा, मिट्टी ने उसे दबा लिया। वो मिट्टी के अंदर अंदर फूलता रहा और फिर एक दिन उसने मिट्टी से अपना सर निकाला। उसके बाद धूप पानी हवा और मिट्टी से बढ़ने लगा। अब वो कहाँ है? अरे तुमने पहचाना नहीं, मैं वही तो हूँ, अब रोजाना बढ़ रहा हूँ। तुम देखना बहुत जल्द मेरी जड़ें जमीन में फैल जाएंगी, मेरी बहुत सी टहनियाँ हो जाएंगी। ये नन्ही मुन्नी टहनियाँ एक दिन खूब मोटी हो जाएंगी और मैं बहुत ऊंचा हो जाऊंगा। मेरे अंदर से बहुत सी हरी हरी पत्तियाँ निकल आएंगी, फूल खिलेंगे, फल पैदा होंगे, लोग तोड़ तोड़ कर खाएंगे। बी चिड़िया फिर तुम भी आना, तुम्हारी भी दावत होगी, फिर तुम मजे से मेरे ऊपर बैठकर रात गुजारना। देखो उस वक्त मुझसे अकड़ कर बात मत करना। तुम कैसी बातें करती हो बी चिड़िया, जब टहनियों में फल लगेंगे, पत्तियां होंगी, फूल खिलेंगे तो मैं कैसे अकड़ सकता हूँ, फिर तो मैं और झुक जाऊंगा। मैं तो सबकी खिदमत करूंगा, सबके काम आऊंगा। खुदा तुम्हें बहुत बड़ा बनाए, तुम अभी से बहुत अच्छे हो। फिर चिड़िया ने पौधे के नीचे रात गुजारी। बारिश हुई लेकिन चिड़िया पौधे के नीचे बैठी रही, पौधे ने उसे भीगने नहीं दिया। जब सुबह हुई तो चिड़िया ये कहकर फुर से उड़ गई। रात को फिर आऊंगी। मश्क, लव्स और मानी। नाराज, खफा, नाखुश। रात काटना मुहावरा। रात गुजारना। गौर कीजिए, इस सबक में बीज के पौधा बनने और बड़ा होकर पेड़ बनने का जिक्र किया गया है। बीज से पौधा उगता है, पौधे के बढ़ने के लिए मिट्टी पानी हवा और धूप जरूरी है। पेड़ पौधों से इंसान जानवर और परिंदों को बहुत फायदा होता है। पेड़ पौधों से फूल और फल मिलते हैं, इंसान और जानवर उनके साय में आराम करते हैं, परिंदे उनकी शाखों और टहनियों पर अपना घोंसला बनाते हैं,
पेड़ पौधे हवा को आलूदा होने से बचाते हैं और बारिश के लिए भी मददगार होते हैं। हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए और उनकी हिफाजत करनी चाहिए। साथियों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। अब आपके सोचने के लिए कुछ बातें। तो पहली बात, पौधे बहुत कोमल होते हैं, इसलिए जरूरी है कि हम उनका खास ख्याल रखें। जरा सोचें, हम उनका खास ख्याल कैसे रख सकते हैं। और दूसरी बात, पौधे ने चिड़िया से कहा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, टहनियों में फल लगेंगे, तो मैं और झुक जाऊंगा। जरा सोचिए, पौधे के ऐसा कहने का क्या मतलब हो सकता है। इस पर अपने मित्रों से चर्चा करें। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, अकादमिक समन्वय प्रोफेसर मोहम्मद मुअज्जमुद्दीन, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, ध्वन्यांकन शानू मुक्सीम, कलाकार शिमाइला परवेज और परवेज गौहर, परामर्श अजीत होरो, निर्माण सहयोग जगबंधु जाना तथा निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहते हैं तो हमारे IVRS यानी इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पांस सिस्टम पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा IVRS नंबर है 8800440559। और हाँ, आप हमसे हमारे ईमेल पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।